नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। दोस्तों आज बात करेंगे बाबू रेशम की। मुंबई में पैदा हुआ बाबू रेशम, परिवार की माली हालत के चलते बचपन में ही वो होटल में काम करने लग गया था। जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने मजगांव डॉक की कैंटीन में नौकरी करनी शुरू कर दी थी। 80 का दौर चल रहा था, वहाँ उसका यूनियन के लीडर्स के साथ अच्छा उठना बैठना था। 1983 में वर्कर्स और मैनेजर के बीच बढ़ते तनाव के कारण बाबू रेशम को कैंटीन से निकाल दिया जाता है। वहां बाबू रेशम ने 14 से 15 साल काम किया था, लेकिन अभी भी बाबू रेशम का उस एरिया में दबदबा था। बाबू रेशम, रमा नायक और अरुण गवली मिलकर अपनी गैंग बनाते हैं। ये गैंग BRA नाम से भी बेहद मशहूर थी। बाबू रेशम के कांग्रेस नेताओं से भी कनेक्शन थे। उसका सपना था कि वो अपना क्राइम की दुनिया में बड़ा नाम बनाए। उसका यूनियन पॉलिटिक्स में बेहद नाम चलता था, यही कारण था वर्कर उसके कहने पर कभी भी हड़ताल कर दिया करते थे। बाबू रेशम हफ्ता वसूलने का भी काम किया करता था। कहते हैं अरुण गवली और रमा नायक के जोर पर ही बाबू रेशम वर्कर का लीडर बना। तीनों के साथ मिलने से मानो मुंबई उनकी हो चुकी थी। बाबू रेशम के बारे में यह भी कहा जाता है कि वो मिलों से हड़ताल खत्म करवाने के बदले में पैसे भी लिया करता था। इस बात का खुलासा जब हुआ दत्ता सामंत के कहने पर उसने हड़तालों को खत्म करवाया था। 1984 और 1985 में BRA गैंग का दबदबा मजगांव, मुंबई सेंट्रल, भायखला के अलावा चिंचपोकली, पैरोल और महालक्ष्मी तक हो गया था। इसी दौरान बाबू रेशम के कई दुश्मन भी बनते जा रहे थे। एक विजय उटेकर नाम का शख्स बाबू रेशम के साथ काम किया करता था। बताया जाता है बाबू रेशम ने प्रॉपर्टी के लूट के पैसों में से विजय उटेकर को उसका हिस्सा नहीं दिया, जिसके बाद दोनों में दुश्मनी पैदा हो गई। दूसरी तरफ बाबू रेशम के अन्य दुश्मन ऐसे व्यक्ति की तलाश में थे जो बाबू को रास्ते से हटा सके, जिसके बाद विजय उटेकर ढोलकिया ब्रदर के टच में आ जाता है। ढोलकिया ब्रदर्स ने विजय उटेकर को पैसों से लेकर हथियार तक मुहैया करवाए। इस इंसिडेंट में दाऊद का भी हाथ बताया जाता है। वहीं एक केस के चलते बाबू रेशम अग्निपाड़ा के पुलिस लॉकअप में बंद था। गाड़ियों में विजय उटेकर अपने 8 साथियों के साथ आता है। वो लॉकअप में बंद बाबू रेशम के लिए शराब और कुछ खाने का सामान लेकर आता है, लेकिन हवलदार उनको अंदर जाने नहीं देता। विजय उटेकर के साथियों ने हवलदार से हथियार छीने, उसको डराया धमकाया। 5 मार्च 1987 को सुबह के 3:30 बजे जेकब सर्कल जेल के मेन गेट पर जोरदार धमाका होता है। धमाके की आवाज सुन लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। बाबू रेशम को लगा कि उसकी गैंग के लोग उसको छुड़वाने आए हैं, लेकिन जब विजय उटेकर अपने साथियों के साथ लॉकअप के बाहर आकर खड़ा हुआ और बाबू रेशम ने विजय उटेकर को सामने देखा तो उसके होश उड़ गए। विजय के हाथ में ऑटोमेटिक वेपन था, जिसके बाद बाबू रेशम पर विजय ने ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी। बाबू रेशम को 4 गोलियां लगी, उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। जब इससे भी विजय उटेकर का मन नहीं भरा तो उसने रोड से लॉकअप का ताला तोड़कर रोड से बाबू के सर पर एक के बाद एक वार करना शुरू कर दिया। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता था कि विजय उटेकर के अंदर बाबू रेशम के प्रति कितना गुस्सा था। वहीं बाबू रेशम की मौत का कारण यह भी बताया जाता है कि 1987 में एक दिन उसने भायखला के कंजरवाड़ा इलाके में एक लड़की के साथ छेड़छाड़ की थी, जिसके बाद इलाके के लोगों ने उसको घेर लिया, लेकिन अपनी गैंग के लोगों के दम पर बाबू रेशम ने वहाँ के लोगों के साथ मार पिटाई की। इसमें विजय उटेकर की भी पिटाई हुई थी। तब से ही विजय उटेकर ने बाबू को मारने का सोच लिया था। पुलिस की जांच में पता चला कि रेशम की हत्या में महेश ढोलकिया, विजय उटेकर और कुछ अन्य लोग भी शामिल थे। जब बाबू रेशम की मरने की खबर लोगों में पहुंची तो सबने अपनी दुकानों और मिल्स बंद कर दी। वर्कर्स से लेकर कांग्रेस नेताओं का आना जाना लग गया था। बाबू रेशम की अंतिम यात्रा में लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। बताया जाता है लोगों ने बाबू रेशम को क्रिमिनल के तौर पर नहीं बल्कि यूनियन लीडर के तौर पर श्रद्धांजलि दी थी। उसी साल अक्टूबर महीने में पुलिस ने विजय उटेकर को दादर में एनकाउंटर कर ढेर कर दिया। तो दोस्तों ये थी बाबू रेशम की जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें। हमारे चैनल के साथ जुड़े दर्शकों का हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप हमें इतना प्यार दे रहे हैं। ऐसे ही प्यार बरकरार रखना, हम आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। तो नमस्कार दोस्तों।